का चीला एकदम इजी एंड सिंपल रेसिपी, जो पीली वाली मूंग दाल होती है ना उसकी मैं चीला बना रही हूँ। ये इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और या तो आप डिनर में भी इसे सर्व कर सकते हैं। दही के साथ खाइए, अचार के साथ, किसी के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमने एक बोल में ले लिया है 2 कप मूँग दाल। देखिए पीला वाला मूँग दाल है, इसे मैं इस ग्लास से या किसी भी ग्लास से आपको जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ले सकते हैं। उसमें मैंने पानी डाला है, अच्छी तरह से सोक करे इतना पानी डाला है मैंने। अब इस पानी डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून मेथी का दाना। मेथी का दाना से क्या है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और एक तरफ से ये डाइजेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून जीरा भी इसमें डाला है। अब इसे मैं मिलाकर थोड़ा सा कवर करके 2 से 3 घंटा तक मैं रख दूंगी। देखिए 2 घंटा एनफ होता है, तो 2 घंटा में अच्छी तरह से मूँग दाल फूल गया है। अब फूल जाने के बाद अब मिक्सी का जार में इसे मैं ग्राइंड कर रही हूँ। तो थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा है करके इसे 2 पार्ट में मैं ग्राइंड करूँगी। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च और 1 सूखी लाल मिर्च और उसके बाद 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको मैं इसमें डालकर, और हींग को इसमें डालकर अच्छी तरह से अब इसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ। ग्राइंड करने के बाद देखिए कंसिस्टेंसी एकदम हमारा दोसा का जैसा हो गया है। तो इसे मैं एक बोल में शिफ्ट कर रही हूँ। शिफ्ट करने के बाद अब जो बचा हुआ मूंग का दाल है भिगाया हुआ, उसे मैं दूसरे पार्ट में एक बार और ग्राइंड कर रही हूँ। तो हमारा पूरा जो मूंग का दाल है अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएगा। तो हो गया हमारा ग्राइंड, देखिए सेकंड पार्ट भी ग्राइंड हो गया। अब इसको मैं बैटर को डाल दे रही हूँ और जो मिक्सी का जार में थोड़ा सा बचा हुआ जो मूंग का दाल है वो चिपका हुआ है, उसे मैं पानी के सहारे से थोड़ा पानी डालकर उसे मैं अच्छी तरह से मिलाकर निकाल ली हूँ। तो ग्राइंडर पॉट का सारा दाल पिसा हुआ जो बैटर है वो भी निकल गया। अब देखिए इसमें मैं डालूँगी नमक। स्वाद अनुसार आप नमक डालिए, आपको जितना नमक पसंद है 1 टीस्पून नमक, और उसके बाद उसे मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद देखिए बैटर ये एकदम दोसा के जैसा और थोड़ा सा सॉफ्ट भी लग रहा है क्योंकि ये मूंग दाल का है। उसके बाद इसको गार्निशिंग करने के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ धनिया का पत्ती, मतलब एकदम फ्रेश धनिया पत्ती जो इसे मैं बारीक सा चॉप करके रख चुकी थी उसे मैं इसमें डाली और उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर ली। अब इस जो रेसिपी का एक ट्विस्ट है वो ये तड़का। आप तड़का नहीं भी लगाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, बट अगर तड़का डालेंगे ना इस बैटर में तो ये मतलब चीला का टेस्ट जो है डबल हो जाएगा। तो तड़के में ओनली सरसों, मैंने सरसों डाला ना गरम तेल में, उसके बाद उसका तड़का बना ली और इस बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर ली। अब हमारा तड़का जो बैटर जो है 100% रेडी हो गया है डोसा बनाने के लिए। अब एक डोसा तवा जिसे मैं गैस में रख चुकी हूँ, उसके बाद उसे गर्म होने के बाद थोड़ा ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर ली। अब ये बैटर को आप अपने डोसा तवा में डालिए, जिस तरह से डोसा को आप बनाने के लिए स्प्रेड करते हो बैटर उसी तरह से स्प्रेड करिए। साइज़ आपके चॉइस के अनुसार, मतलब आपके पास अगर बड़ा तवा है तो बड़े तवे में बड़ा बड़ा बनाइए, और या तो फिर आप छोटे छोटे बनाइए, आपका चॉइस है। अब इसको देखिए अच्छी तरह से दोनों तरफ से कुक करिए, कलर भी एकदम परफेक्ट आ गया है, लाइट ब्राउन हो गया है और दोनों साइड से अच्छा से पक भी गया है। तो अब इसे मैं निकाल दूंगी, देखिए ब्राउन हो गया है एकदम, पीछे तरफ भी ब्राउन हो गया है। तो अब इसे मैं निकाल के दूसरे प्लेट में डाल रही हूँ। अब इसी तरह से सारा चीला मैं एकदम सेम प्रकार बनाऊंगी। तो देखिए इसे मैं इस तरह से स्प्रेड कर ली हूँ। हाँ एक चीज़ और है, अगर आपको अपने बच्चे के टिफिन में देना है तो आप इसी तवा में 3 बना सकते हैं, मतलब छोटा छोटा 3 बनाइए, डब्बा में देने में भी सही रहेगा और बच्चों को थोड़ा सा शेप चेंज होने से खाने में इंटरेस्ट भी आता है, थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है और मिनी चीला हो जाएगा फिर वो। तो इसे आप इस तरह से देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह से क्रिस्पी लग रहा है एंड ब्राउन भी हो गया है। तो अब ये चीला भी हमारा रेडी है, देखिए जूम करके दिखा रही हूँ, परफेक्ट टेक्सचर है, कलर भी है और क्रिस्पी भी बना है। क्रिस्पी अगर करना है तो थोड़ा और 5 मिनट तक तवा को आप रख लीजिए। तो देखिए ये डोसा भी बन गया है। अब इसे मैं हमारे साउथ इंडियन में एक मलगा पुड़ी करके बोलते हैं जो गन पाउडर होता है, मैं उसके साथ खा रही हूँ। तो आप उसको अचार के साथ खाइए, दही के साथ खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।